बचपन, आज हम बनाएंगे खस्ता चाट। तो चाट का नाम सुना कि बस मुंह में पानी आ गया। चाट चाहे कोई भी हो। हमने साबुदाने टिक्की चाट की रेसिपी भी शेयर करी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आइए हम खस्ता चाट रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें उबले हुए आलू लेना है और इन आलुओं को ग्रेटर से हमें ग्रेट करना है। आप चाहें तो आलुओं को मैश भी कर सकते हैं, पर ग्रेट करने से आलुओं में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से आलू टिक्की बनाएंगे। ग्रेटेड आलुओं में हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर डाल देंगे और भुना हुआ जीरे और धनिया का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और थोड़ा सा इसे मिला देते हैं। इसके बाद एक चम्मच हम हरी धनिया पत्ती वाली चटनी भी इसमें मिला देंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हाथों में लगा करके छोटी छोटी सी टिकिया बना करके हम तैयार कर लेंगे। सभी टिकियों को एक साथ बना करके तैयार कर लीजिए। इसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन कीजिए, पैन को रखिए, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल उसमें डालिए, जैसे पराठा सेकते हैं ना बस वैसे ही। और इसके बाद सारी टिकियों को जितनी भी बन सके उस पैन में डाल दीजिए और आलू टिक्की जब नीचे से क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें धीरे से पलट दीजिएगा। जब सिक जाए तो उन्हें एक एक करके आराम से प्लेट में निकाल लीजिएगा। और हमने जो खस्ता बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद बनाते हैं हरे मटर की सब्जी। तो गैस ऑन कीजिए और उसमें एक चम्मच सौंफ डाल दीजिए। सौंफ डालने के बाद जीरे डाल देना है, जब क्रिकल हो जाए तो थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। इसके बाद हरे मटर डाल देंगे। 2 मिनट तक हमें हरे मटर को भुनने देना है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी थोड़ी देर भुनने देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इसके बाद धनिया पाउडर और डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। भुना हुआ धनिया और जीरे का पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा डालना है चाट मसाला, इसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और डाल देंगे टमाटर की ग्रेवी जो हमने ग्रेट करके रखी थी। को अगर इमली की खटाई या आमचूर डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बनाना है ग्रेवी वाले तो थोड़ा सा डालना है पानी और डाल देंगे धनिया पत्ती। थोड़ा सा उबाल आने देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाट के लिए सभी इंग्रेडिएंट तैयार है, अब करना है प्लेटिंग। की खटाई और हरी चटनी की रेसिपी आपको मेरे पानी पूरी वाले वीडियो में मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा।